हीरो की भाई न्यू करिश्मा एक्शन वार देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है भाई। गजब की जो प्राइस रखा है ना 1,75,800 रुपये, खतरनाक प्राइस रखा है। जो पावर दे रहा है इंजन भाई, 25.5 PS की पावर है, 6 स्पीड गियरबॉक्स है, 20.4 Nm टॉर्क है, अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल बाइक है। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे हीरो की ब्रांडिंग है, डुअल चैनल एबीएस मिल जाते हैं। फ्रंट में 300mm का डिस्क ब्रेक है और रियर के अंदर 230mm का डिस्क ब्रेक है। टायर साइज की बात करी जाए तो फ्रंट के अंदर आपको 180/17 का टायर साइज देखने को मिल जाता है। और कुछ अलेवल का डिज़ाइन आप देखो भाई, रियल लाइफ में कितना गजब लग रहा है ना भाई। रेड स्टिकर्स यहाँ पे लगाए गए और जो डिज़ाइन है ना भाई, ये जो टच दिए गए हैं बहुत ही कमाल का लग रहा है। और इस तरह का कुछ बड़ा सा आपको रेडिएटर देखने को मिल जाता है भाई। और ये हेडलाइट सेटअप है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको DRL देखने को मिल जाती है, LED प्रोजेक्टर है लो बीम के लिए, और हाई बीम के लिए LED रिफ्लेक्टर बेस हेडलाइट आपको देखने को मिल जाती है। हीरो का 3D लोगो, एडजस्टेबल विंडशील्ड देखने को मिल जाती है जो कि इस चीज़ के द्वारा एडजस्ट होती है। LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, रियर व्यू मिरर है गजब के भाई, और बहुत कुछ है बाइक के बारे में बताने के लिए। स्पीड सीट आपको देखने को मिल जाती है जिसपे हीरो की ब्रांडिंग है। कुशनिंग भी बहुत ही सॉफ्ट है और कमाल की लग रही है। कुछ इस तरीके आपको टैंक का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, डुअल टोन कलर के साथ रखा है, रेड एंड ब्लैक, और ये यहाँ पे प्योर ब्लैक है। ये भी कमाल का लग रहा है भाई, मतलब क्या बताऊँ यार, मतलब खतरनाक माहौल बना देगी भाई ये भाई। और ये एग्जॉस्ट का डिज़ाइन है, ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। रियर टायर साइज की बात करी जाए तो 140/70/70 का टायर साइज देखने को मिल जाता है। ब्रेक में आपको बता दी, डुअल चैनल ABS है, मोनोशॉक एब्सॉर्बर रियर में आपको देखने को मिल जाता है, एडजस्टेबल है। एल्युमिनियम के सब फ्रेम देखने को मिल जाते हैं फुटरेस्ट के लिए, सॉरी सब फ्रेम बना हमारा फुटरेस्ट फ्रेम देखने को मिल जाते हैं राइडर और पिलियन दोनों पैसेंजर के लिए। स्प्लिट सीट, स्प्लिट ग्रैब हैंडल, LED टेल लाइट बहुत ही खूबसूरत सी। इसके अलावा क्लिप ऑन हैंडल बार, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरह का आपको डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। तो जल्दी एक डिटेल रिव्यू मैं लेकर आने वाला हूँ, अभी आप कलर देख लो। ये यहाँ पे रेड कलर है, रियल लाइफ में कैसा लगता है वो वहाँ पे ब्लैक कलर है। राइड स्टार्ट होने वाली तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। और ये यहाँ पर येलो कलर है, येलो कलर बहुत ही कमाल का लग रहा है विकास सर। तो भाई कमाल का लग रहा है, रेड भी अच्छा लग रहा है वैसे। आप बताओ आपको रेड कलर अच्छा लग रहा है फिर येलो कलर अच्छा लग रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही हाँ यार, इतने लेटेस्ट अपडेट लेके आ रहा हूँ यार भाई को, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखना, मस्त रहो, खुश रहो यार।